Hello wonderful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So Dubai vlog begins and aaj hum ja rahe explore karne ke liye. So main aapko sab batati hu. First of all, thank you so much. Aapne itna sara pyar diya mujhe previous vlog mein, my first international trip. Agar aapne wo vlog nahi dekha hai, so yahan main i button mein dal dungi. So aap please zarur ja ke dekhiyega. So aapko ye pura series ka jo theme hai, कॉन्टेंट है, उससे बैक स्टोरी है, सब पता चल जाएगा. सो येस, मस्ट वॉच इट. सो आज प्लान है दुबई मॉल जाने का. सो लेट्स सी, आज हम मॉल एक्सप्लोर करेंगे. वहाँ वाटरफॉल है, एक फाउंटेन है, वो सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ रील्स बनाएंगे, कॉन्टेंट बनाएंगे. आज संडे है, टूरिस्ट स्पॉट है वैसे भी, सो काफ़ी क्राउड होने वाला है. दैट वॉज एक्सपेक्टेड, हम यही माइंड सेट लेके जा रहे हैं. बट लेट्स सी वहाँ जाके क्या कैसे होता है. सो आज का प्लान ये है. सो अभी हम जाते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए, देन आके मैं रेडी हो जाती हूँ, राज भी रेडी हो जाएगा. यहाँ ब्रेकफास्ट में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट मैं तो कुछ कुछ ही खाती हूँ, जैसे फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए. सो वी आर हैविंग दैट ओनली डेली फॉर ब्रेकफास्ट. सो येस, मैंने लिया है वाटरमेलन, ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट्स एंड ग्रेनोला. सो दैट्स इट, ये खाएंगे एंड देन आगे कहाँ जाना है. राज, व्हाट आर यू डूइंग? राज को सुबह सुबह में मस्ती चल रही है. सो अभी जो आउटफिट मुझे पहनने हैं, मैं उसको आयन कर रही हूँ. मैं आयन कर ही लेकर आई थी, बट जब बैग मैंने लगेज में डाला था, सो काफ़ी कम सामान था, तो सारे कपड़े इस तरह से हो गए हैं. सो मैं एक आयन ऐसे कर देती हूँ प्रेस, सो अच्छा दिखेगा. ओ, इससे पानी निकल रहा है बहुत सारा. मेरे कपड़े देखे, उसके मुँह में पानी आ गया. पूरा पानी गिर रहा है इससे, क्योंकि स्टीम आया है. हम जाने के लिए रेडी है दुबई मॉल, और मैंने एक फ्लोरल टॉप पहना है. लेट मी शो यू माय ओओटीडी. सो दिस इज माय ओओटीडी. मैंने एक पफ फ्लोरल टॉप पहना है, नीचे बैगी पैंट्स, वाइट शूज एंड माय पर्स. लेट्स गो. एक्वेरियम, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्यूट कैफेज भी है खाने के लिए. सो देखते हैं, अभी तो भूख नहीं लगी, पहले देख लेते हैं एक्वेरियम एंड देन खाते पीते हैं. तो अभी हम लॉन्ग क्यू में खड़े हैं ऑफ दुबई एक्वेरियम, एज यू कैन सी बिहाइंड मी. एंड हमें 15 से 20 मिनट्स हो गए हैं, बहुत ही लॉन्ग क्यू है. पैकेजेस आर देयर एंड उसमें हमें क्या क्या देखने मिलता है, सो लेट्स सी, जब हम काउंटर पर जाएंगे तभी पता चलेगा. सो या वेटिंग इन द क्यू, लॉन्ग क्यू. वेटिंग सो लॉन्ग, हमें एंट्री मिल चुकी है. एंड बहुत ही अच्छी बात एक ये हुई कि हमें एक्सपो के लिए भी टिकट्स फ्री मिल चुकी है इन आर दिस दुबई एक्वेरियम पैकेज. सो येस, वो भी प्लान बन जाएगा. अब हम वो टनल से निकल कर आ गए हैं बोट राइड के लिए. यहाँ पर काफ़ी ब्लूइश लाइट है, सो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा. और हमें दिए गए हैं ये लाइफ जैकेट्स जो हमें पहन के रखने हैं, एंड उसके बाद हम जाएंगे नीचे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन दैट बोट राइड. बहुत ही मज़ा आ रहा है ये बोट राइड पर, जो ग्लास की है. हम लिटरली नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फिशेज हैं. और हमारी मैम बता रही थी कि यहाँ पे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की फिशेज है, एंड हम यहाँ फिशेज को फीड भी कर सकते हैं. यहाँ पर है वो सेंटर जहाँ पर हम फीड कर सकते हैं. सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड मैंने जल्दी से आके ना ये वाली सीट ले ली, ताकि मैं आगे देख पाऊँ और अच्छे से शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए. पेंगुइन हाउस में मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे पेंगुइन हैं, कितने क्यूट है. लुक एट दिस वन. आफ्टर यू कंप्लीट योर एक्वेरियम टूर, आप लास्ट में ये शॉप में आओगे और आप शॉप कर सकते हो जो भी आपको शॉप करना हो. यहाँ पे पेंगुइन्स के बहुत बहुत सारे फिश के सुवीनियर्स है, जो आप एज अ मेमोरी आपके साथ ले जा सकते हो. तो दुबई मॉल के अंदर ही है, ये पीछे आप देख सकते हो वाटरफॉल है, एंड यहाँ पर काफ़ी सारे पिक्चर्स
और वीडियोस बनाते हैं लोग. सो दिस वाज द रीज़न आई वाज हियर एंड मैं आना चाहती थी बिकॉज ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. पीछे देखिए कितना अच्छा लग रहा है. सो ये अभी हम पिक्चर्स लेते हैं, बूमरैंग लेते हैं एंड देन देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है बिकॉज दुबई मॉल काफ़ी बड़ा है. एट द चीज़ केक फैक्ट्री एंड आज संडे होने की वजह से काफ़ी क्राउडेड है. अगर आप खाना चाहते हो यहाँ पे ज़रूर आके चीज़ केक ट्राई ज़रूर करना. यहाँ पर ओरिजिनल है, ओरियो चीज़ केक है, हमने ऑर्डर किया है रेड वेलवेट चीज़ केक. लुक एट द पेस्ट्री, बहुत ही यम लग रही है. सो हमने काफ़ी टाइम से कुछ खाया भी नहीं है तो इससे हम पेट भरने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट दिस. बहुत ही यम्मी तो लग रही है. और यहाँ फूड सर्विंग्स भी होती है पर हमें कुछ खाने का मन नहीं है तो हम अभी ये से खाएंगे एंड देन आगे चलेंगे. तो बुर्ज के लिए हम लेट हो चुके हैं बिकॉज हमें डे और नाइट दोनों टाइम चाहिए थे. तो विल बुक ऑनलाइन टुमारो और डे आफ्टर एंड विल सी कब जाना है बिकॉज अभी थोड़ा लेट हो चुका है. अभी सिर्फ नाइट व्यू ही मिलेगा. हमने सोचा जा रहे एक साथ तो डे एंड नाइट दोनों व्यू एंजॉय करते हैं ताकि हम पिक्चर्स और रील्स और कंटेंट ले पाए, दिन में भी दिखा पाए आपको और रात में भी कैसे दिखता है ऊपर से वो भी दिखा पाए. सो अभी हम देखने आ गए हैं फाउंटेन शो. ये आधे आधे घंटे में होता है यहाँ पर, हमने अभी एक मिस कर दिया है बट कोई बात नहीं, 20 मिनट्स है, हम वेट कर लेते हैं. यहाँ पर और भी बहुत स्पेस लिट अप है तो एज यू कैन सी बिहाइंड मी कितना अच्छा दिख रहा है. सो हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और कुछ देख फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या करना है. यहाँ पर ये व्यू के साथ रेस्टोरेंट्स भी है, खाना भी इंजॉय कर सकते हो रेस्टोरेंट में बैठ के. सो यस चलते हैं. 11th फ्लोर पे पार्किंग है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से इसका व्यू ग्रैब करेंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे और अंदर तो ऑब्वियसली हम जाने ही वाले, मतलब ऊपर हायर फ्लोर्स पे तो वो तो जब हम जाएंगे तभी अंदर का व्यू ले लेंगे. बट अभी बाहर से ही इतना लिट अप और अच्छा लग रहा है कि हम बाहर से भी पिक्चर्स लेंगे ऊपर जाकर. बट अभी हम फाउंटेन का वेट कर रहे हैं, मेरे पीछे यहाँ पे ही फाउंटेन शो होगा. सो अभी भी 15 मिनट्स है, 10 मिनट्स तो उसके शुरू होने का ही वेट कर रहे हैं हम. लाइट्स ऑफ हो चुकी है, फाउंटेन शो चालू होने वाला है. सो यू गाइज एंजॉय, मैं भी एंजॉय करती हूँ यहाँ पर.